व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है समीरन। आप लोग देख रहे हैं जायरो गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है फिर से मोबाइल गेमिंग न्यूज के ऊपर। ये एक मोबाइल गेमिंग न्यूज का तीसरा पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस मोबाइल गेमिंग न्यूज का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देख चुके हो तो उस वीडियो के भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमारा पहला जो गेमिंग न्यूज है वो है पबजी मोबाइल की रिगार्डिंग। पबजी मोबाइल में 7 तारीख को 0.19.0 का अपडेट आ चुका है, जिसमें लिबिक मैप, न्यू गन्स MK12 और P90 जैसे गन इंक्लूड हो चुका है। लेकिन इस अपडेट में आपको इरंगल 2.0 और गन गेम मोड नहीं देखने को मिलता। तो मैं आशा करता हूँ आगे वाला अपडेट में पबजी मोबाइल जरूर इस दो मोड को इंक्लूड करेगा। तो 14 जुलाई को पबजी मोबाइल का सीजन 14 का अपडेट आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे गन्स की स्किन, बैग्स की स्किन, यूजेड डार्शियस की स्किन और गन्स की स्किन और बहुत सारे मिथिक आइटम्स और शूट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑन स्क्रीन आप इसका ट्रेलर देख सकते हो। तो 14 जुलाई तक आप लिबिक मैप के साथ ही इस गेम को एंजॉय कीजिए। तो हमारा सेकंड गेमिंग न्यूज है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के रिगार्डिंग। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में सीजन 8 का अपडेट आ चुका है, जिसका नाम है द फोर्ज। तो इन्होंने काफी सारे नए चीजें ऐड कर दिया गया है, जैसे कि एक नया गन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है DRH, जो कि एक असॉल्ट राइफल है। और नए ऑपरेटर स्किल भी इन्होंने ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है कटाना। और 3 नए पार्क ऐड कर दिया गया, जैसे कि रेड पार्क में एक नया पार्क इन्होंने ऐड कर दिया है जिसका नाम है ओवरकिल। तो इसमें आप 2 प्राइमरी गन को एक ही साथ ही कैरी कर सकते हो। और सेकंड जो पार्क होता है ग्रीन पार्क, तो ग्रीन पार्क में इन्होंने ऐड कर दिया क्विक फ्लिप्स। तो इसके मदद से आप जो है जो आप यूज़ करते हो कॉम्बैट एक्सेस या फिर मिली वेपन्स वगैरह, तो इसको इस पर आप अगर एनिमी को मारते हो तो आपका हेल्थ रीजनरेट होता है। और थर्ड पार्क में इन्होंने ऐड कर दिया गया है शार्प नेल, जिसमें आप अगर ग्रेनेड से एनिमी को जो डैमेज करते हो तो एनिमी को रीजनरेट होने में वक्त लगता है, जिससे आप एनिमी को आसानी से मार सकते हो। और इन्होंने काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए इस बैटल पास में। 4 नए कैरेक्टर्स ऐड कर दिए जो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। और एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है कैप्टन आर्कटिक ब्लिज़र्ड, जो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। पर ये कैरेक्टर इस वाले अपडेट में नहीं आया। मैं होप करता हूँ कि आने वाले अपडेट में ये कैरेक्टर हम लोगों को देखने को इन गेम मिल जाएगा। तो हमारे तीसरे नंबर पर जो गेम है उसका नाम है फीफा द मैक्स। ये फीफा का एक रिमास्टर्ड वर्सन है जो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के और गेम प्ले के साथ आने वाला है। तो फीफा बहुत ही आपको कम मेमोरी में अच्छे ग्राफिक्स के साथ अच्छा बैटल रॉयल प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी फेमस है। तो इस गेम अभी तक प्ले स्टोर में नहीं आया है, इसका डेवलपमेंट गेने वालों के तरफ से चल रहा है। तो ये जब गेम ये आएगा प्ले स्टोर में, आप जरूर से ज़रूर इस गेम को चेकआउट कीजिए। हमारे चौथे नंबर पर जो गेम है उसका नाम है मड रनर। एक ऑफ रोड कार सिमुलेटिंग गेम है। ये पीसी गेम स्नो रनर की तरह है। ये गेम आपको ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो इस गेम में आपको बहुत सारे लेवल, जैसे कि कीचड़ वाली इलाका या पहाड़ी इलाका में आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ये गेम 15 जुलाई को रिलीज करेगा, तो आप इस गेम को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो हमारे फिफ्थ पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है मेटल स्लग कोड से। एक एक्शन आर्केड प्लेटफॉर्म टाइप गेम है जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। ये गेम को डेवलप कर रहा है टेंशन गेम एंड टीवी स्टूडियो, लेकिन इस गेम का कोई ट्रेलर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ऑन स्क्रीन आप इस गेम का गेम प्ले देख सकते हो, लेकिन ये गेम अभी तक प्ले स्टोर में नहीं आया। जब ये आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे सिक्स पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है फेलिक्स द रेपर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी पैजल बेस्ड गेम है जो सिर्फ iOS डिवाइस के लिए लॉन्च होने वाला है। तो 15 जुलाई को ये गेम लॉन्च होगा। तो जिस किसी को भी पाजल कॉमेडी गेम पसंद हो वो iOS डिवाइसेस है तो इस गेम को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो हमारे 7 पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है जिनशन इम्पैक्ट। ये एक एक्शन RPG ओपन वर्ल्ड टाइप गेम है। इसका ग्राफिक जो है काफ़ी कार्टूनिस्ट टाइप है, लेकिन इसका जो एनिमेशन है बहुत ही ऑसमनेस के साथ आता है। ये गेम सिर्फ iOS, PS4, PC डिवाइस के लिए निकलने वाला है। इस गेम का बीटा अभी तक क्लोज हो चुका है, तो इस गेम को आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो हमारे 8 पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है V4। एक ओपन वर्ल्ड MMORPG एक्शन बेसिस गेम है। इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, जो आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर में देख सकते हो। ये गेम प्ले स्टोर में आ चुका है, तो इस गेम को आप जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा और प्री रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। तो हमारे 9 पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है नोआस हार्ट। ये एक एक्शन MMORPG बेसिस गेम है। इसका जो स्टोरी है वो काफ़ी एडवेंचर टाइप है।
तो इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो प्रोवाइड कर रहा है अनरियल इंजिन, जो काफी ड्रैगन राजा गेम के जैसा ही है। तो ये गेम अभी तक प्ले स्टोर में नहीं आया है, इस गेम नेक्स्ट साल आपको जरूर से जरूर प्ले स्टोर में आएगा, तो आप इस गेम को जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस नंबर 10 तो लास्ट पोजीशन में आता है ब्रॉलहाला, जो कि एक प्लेटफॉर्म फाइटिंग टाइप गेम है जो मल्टीप्लेयर मोड भी प्रोवाइड करता है। तो ये गेम पहले पीसी और कंसोल्स के लिए रिलीज हो चुका है, तो पर ये गेम अभी एंड्रॉइड के लिए भी आने वाला है। तो ये गेम बेसिकली आपको काफी सारे मोड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्री फॉर ऑल, कैप्चर द फ्लैग, बूम बास्केट, ब्रॉल बॉल एटसेट्रा। तो इस गेम में आपको 50 यूनिक कैरेक्टर्स मिल जाते हैं अलग अलग एबिलिटीज के साथ। तो इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, अगर आप सोलो खेलते हो तो एक गेम में आपको 8 ऑनलाइन प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों के साथ खेलते हो कस्टम रूम बना के 1v1, 2v2, 4v4 खेल सकते हो। तो आप इस गेम को जरूर से जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हमारे पुराने वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।